الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 11th chapter हम लोग पढ़े हैं 9th class का आज उसका अगला lesson देखिए आइए The major causes of noise in Pakistan are road traffic, construction sites, careless use of electronic appliances, and loud speech patterns. The major causes, badi wajuhat of noise in Pakistan, Pakistan mein shor ki badi wajuhat are hain. रोड ट्रैफिक सड़क पर ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन साइट्स तामीरी इलाका जहाज केयरलेस यूज लापरवाही से इस्तेमाल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बल्कि अप्लायंसेस आलात का एंड और लाउड स्पीच पैटर्न्स और ऊंचे लहजे में बात करना है ये वो वजूहत अब इसका बाप मोहब्बत जज्बा देखिए पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहत सड़क पर ट्रैफिक तामीरी इलाकाजात बल्कि आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और ऊंचे लहजे में बात करना है ठीक है अगला सेंटेंस देखिए नॉइस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट i.e. vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. Ab dekhiye zara Noise coming from different modes of transport. Noise coming from आने वाला शोर, different मुख्तलिफ modes of transport, ज़राए आमदोरफ़ से, आने वाला मुख्तलिफ शोर, i.e. जैसा कि vehicles, गाड़ियों, airplanes, हवाई जहाज़ों, trains, रेलगाड़ियों ships bahri jahazon proves to be sabit hua hai highly bahut zyada stressful pareshani ka baais for human communities insani bastiyon ke liye theek hai ab iska baap muhawra tajwa dekhe mukhtalif qisam ke zaraye amdorat jaisa ke gaadiyon हवाई जहाजों रेलगाड़ियों बहरी जहाजों से निकलने वाला शोर इंसान बस्तियों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस है विद द पॉपुलेशन ग्रोथ आबादी में इजाफे के साथ एंड और डेवलपमेंट और तरक्की के साथ इन अर्बन एरिया शहरी इलाकों में और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ द व्हीकुलर ट्रैफिक गाड़ियों की ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड मे बी मल्टीप्लाइड हो गया है दो गुना इजाफा हो गया है आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों की आमदोरफ में भी दुगना इजाफा हो गया है या वो दो गुनी हो गई है अगला सेंटेंस देखिए दिस हैज गिवन राइज टू इमेंस नॉइस पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवांटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स दिस हैज गिवन राइज टू इमेंस इस चीज ने गिवन राइज इजाफा किया है टू इमेंस बेतहाशा किसमें नॉइस पोल्यूशन में शोर की आलूदगी में इस चीज ने शोर की आलूदगी में
बेतहाशा इजाफा किया है लाजिम बुनियादी तौर पर इन द फॉर्म ऑफ शक्ल में अनग्रॉन्टेड बेजा हॉन्किंग हॉर्न बाय ड्राइवर्स ड्राइवरों की तरफ से इस चीज ने ड्राइवरों की तरफ से हॉर्न के बेजा इस्तेमाल की सूरत में शोर की आलूगी में बेतहाशा इजाफा किया है। ये देखिए लार्जली एल ए आर जी ई एल वाई लार्जली इसका मतलब होता है बुनियादी तौर बड़ी वजह ये दोनों मतलब होते हैं ठीक है समझ आ गई। अगला सेंटेंस देखिए ऑल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस हैज एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स to permanent and unavoidable source of noise pollution. Also B, the mushroom growth tezi se izafe ne bhi of residential colonies rehaishi bastiyon mein near airports and railway stations एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के करीब रिहायशी बस्तियों में तेजी से इजाफे ने भी हैज एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स को रिहायशियों को परमानेंट मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल और नागुजीर सोर्स वसीले के ऑफ नॉइस पोल्यूशन शोर की आलूगी के हैज एक्सपोज्ड रख दिया है छोड़ दिया है। अब इसको बामुहावरा देखिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के करीब रिहायशी बस्तियों में तेजी से इजाफे ने भी रिहायशियों को शोर की आलूगी के मुस्तकिल और नागुजीर वसीले यानी के जरिया के करीब तर कर दिया है। अगला सेंटेंस देखें Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. And other source, एक और जरिया of noise pollution, शोर के रुकी का in urban areas, शहरी इलाकों में is the work काम है on construction sites, तामीनी जगहों पर शहरी इलाकों में तामीनी जगहों पर काम सोती आलूगी की एक और वजह है। आज का आखिरी सेंटेंस है कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन वर्क तामीनी काम इन अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में इज यूजली आमतौर पर होता है स्लो सुस्त रफ्तार एंड और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा वक्त लेता है शहरी इलाकों में काम आमतौर पर सुस्त रफ्तार होता है और ज्यादा वक्त लेता है। ठीक है बच्चों आज के लिए लेसन था आपका थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़।